किस मुद्दे को लेकर के आज आप यहाँ पहुँचे हो? आपको बता भी होगा, मैं एक हफ्ते पहले भी यहाँ आई थी। जैसे मैं एक पर्वतारोही हुई हूँ, 2019 में मैंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था, लेकिन सरकार ने कुछ भी नहीं किया। जैसे और पर्वतारोही को नौकरी मिली है और सम्मान आदर सम्मान मिला है, मैं जिले की एकमात्र बेटी हूँ, उसके बावजूद भी कुछ भी कोई सम्मान नहीं मिला, तो आज मैं करने पर आई हूँ। आपकी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंच रही है, वजह ही क्या है? नहीं पहुंच रही है मेरी। हमारे तीन एमएलए हैं, एक एमपी है, उन चारों को भी नहीं पता कि मनीषा पायल कौन है, किसने एवरेस्ट किया था। आप लोग भी उनसे पूछ सकते हो जाके कि कौन है मनीषा पायल, कौन से गांव के, उनको ये भी नहीं पता। हमारे जो एमपी है हमारे गाँव में भी नहीं आई वो एक बार। तो आज गांव वाले समर्थन में आए हैं जी आप? बिल्कुल, गांव वाले, मेरा पूरा गांव मेरे समर्थन में है, सारे मेरे साथ ही खड़े हैं। तो मांग पत्र दे रहे हैं जी आप? बिल्कुल मांग पत्र दे रहे हैं, और धरना देंगे नहीं होगा तो। यौन शोषण मामले में सारे खिलाड़ी बैठे हुए हैं, उसके लिए उनके क्या न्याय मिलेगा? आपको बिल्कुल मिलना चाहिए। इससे पहले भी मैंने बताया था भाई, महिलाओं के साथ ही यौन शोषण होगा। जैसे बताया भी महिला के साथ यौन शोषण हो गया तो घर से बाहर कौन निकालेगा उन्हें? कोई नहीं निकालेगा। मैं एक पर्वतारोही हूँ, मेरे को घर से बाहर भेजते हैं, 42 दिन मैं बाहर रही हूँ, तो ऐसे यौन शोषण होते रहे, क्या मेरे घर वाले भेजेंगे? बिल्कुल भी नहीं भेजेंगे। तो मैं उनका पूरा समर्थन करती हूँ, उनको भी न्याय मिलना चाहिए। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे आप? सरकार से यही अपील है, जो से पहले जिनको जो भी आदर सम्मान मिला है वही आदर सम्मान मुझे मिलना चाहिए। आपकी क्या एक्सपेक्टेंस है? मनीषा जी, सरकार ने स्पोर्ट्स कोटे में 3% जो स्पोर्ट्स कोटा था उसको खत्म कर दिया, उस पर क्या कहना है? देखो, उस स्पोर्ट्स कोटे की बात कर रहे हो, पर्वतारोही को तो वो भी स्पोर्ट्स कोटा नहीं मिला। जैसे आप जो 3% बोल रहे हो वो भी खत्म कर दिया है। पर्वतारोही को सिर्फ जो चाइना की तरफ से एवरेस्ट फतह करेगा उसको 5,00,000 रुपए और सी ग्रेड का सर्टिफिकेट मिलेगा, मुझे तो आज तक वो भी नहीं मिला। ठीक है, मनीषा पायल के समर्थन में क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो सभी छाया बंधुओं को नमस्कार। हमारी बेटी सबसे पहले तो हमारा सौभाग्य है, धन्य हम, हमारे गाँव ने ऐसी बेटी को जन्म दिया है जो 2019 में माउंट एवरेस्ट फतेह करके आई है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो जिस पे ये तिरंगा फहरा के आई है। तो हम बड़े खुश हैं इसे, और आज इस बेटी को तब से लेकर अब तक आज 4 साल के लगभग समय हो गए हैं, उसको कोई मान सम्मान नहीं मिला है। हम उसके लिए उसके मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसीलिए सारा गांव आज हमारे पीछे खड़ा है। आगामी क्या रहेगा जी आपके? मांग पत्र देने के बाद ही पूरा नहीं होती? मांग पत्र देते हैं डीसी।